आजकल बहुत से लोगों को थायराइड की बीमारी हो जाती है। थायराइड में वजन बढ़ने के साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है। एक स्टडी के मुताबिक पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा थायराइड का प्रॉब्लम होता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो शरीर के अंगों को सामान्य कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साधना हेल्थ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। थायराइड दो प्रकार का होता है, एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म और दूसरा होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में वज़न तेज़ी से घटता है, गर्मी ना झेल पाना, ठीक से नींद ना आना, प्यास लगना, अत्यधिक पसीना आना, हाथ कांपना, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाना, चिंता और अनिद्रा शामिल होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में सुस्ती आती है, थकान, कब्ज, धीमी हृदय गति हो जाती है, ठंड सहन ना कर पाना, रूखी त्वचा हो जाती है, बालों में रूखापन आ जाता है, साथ ही इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं और इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। ये मुख्य लक्षण है थायरॉयडिज्म में। अब थायराइड से बचने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो वजन को कंट्रोल में रखने के लिए फाइबर युक्त खाना खाएं और कम फैट वाला आहार लें। कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहें। तनाव से थायराइड के विकारों को बढ़ने का मौका मिलता है, इसलिए तनाव से बचने की कोशिश करें। अब कुछ उपाय बताती हूँ जिसमें आप मामूली सी किचन में यूज़ होने वाली चीज़ें यूज़ करके अपने आप को थायराइड से सेव कर सकते हैं। सबसे पहले तो 2 चम्मच साबुत धनिया लेकर उसको अच्छे से धोकर 1 ग्लास पानी में रात को भिगो दीजिए। सुबह छान कर वो पानी पी लीजिए। अगर मौसम ठंडा है तो ये पानी गर्म कर पीना है। थोड़े ही दिनों में आपको थायराइड में फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। इससे वज़न भी कंट्रोल में रहता है। नंबर 2, अदरक का एक टुकड़ा लीजिए, 1/2 इंच लंबा होना चाहिए। खाना खाते समय आप पहले निवाले के साथ उसको खा लीजिए, रोज़ उसको खाया कीजिए। अदरक में मौजूद गुण जैसे पोटाशियम, मैग्नीशियम आदि थायराइड की समस्या से निजात दिलाते हैं। थायराइड के मरीजों को थकान जल्दी लगने लगती है और वे जल्दी थक जाते हैं। ऐसे में मुलेठी का सेवन करने से बेहद फ़ायदा होता है। मुलेठी में मौजूद तत्व थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल में रखते हैं, थकान को ऊर्जा में बदल देते हैं। मुलेठी थायराइड में कैंसर को बढ़ने से भी रोकती है। थायराइड को बढ़ने से रोकने के लिए गेहूँ और ज्वार का इस्तेमाल भी हेल्पफुल होता है। जौ, गेहूँ और साबुत अनाज से बने हुए पदार्थों का सेवन करने से थायराइड की समस्या नहीं होती है, क्योंकि साबुत अनाज में फाइबर, प्रोटीन और विटामिन आदि भरपूर मात्रा में होते हैं जो थायराइड को बढ़ने से रोकता है। तो दोस्तों, इन घरेलू उपचारों को इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को थायराइड से बचाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।